क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है, मगर ये नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी मतलब किसी की सुन नहीं सकते, बिना फोर्स काम नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया। आपने जो नरेंद्र मोदी जी की का जो कॉन्सेप्ट था और वो गुजरात में शुरू हुआ था, गुजरात से वो गुजरात मॉडल फिर वो नेशनल लेवल पे लाए। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग, हजारों करोड़ रुपए की मार्केटिंग और डर, एजेंसी का डर, मीडिया का डर, सरकार का डर। अब हुआ क्या? अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट? तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मानना भी चाहता था, डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। अब अगर वाजपेयी जैसे लीडर होते, जो जिनमें ह्यूमिलिटी थी, मनमोहन सिंह जी जैसे जिनमें ह्यूमिलिटी थी, लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, बात सुनते थे, ऐसी सिचुएशन वो काम निकाल सकते थे, मगर ये नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी मतलब किसी की सुन नहीं सकते, बिना फोर्स काम नहीं कर सकते। तो ये अब मामला है। और दूसरी बात, बहुत मजबूत ऑपोजिशन है, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग समय है। थैंक यू।